तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं यूज रेफ हुक एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो ये हमारा पार्ट नंबर 52 होगा और मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूज रेफ हुक और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। भाई देखो, अभी तक हमने रिएक्ट जेएस की इस प्लेलिस्ट के अंदर तीन हुक्स फंक्शंस कवर कर लिए हैं। वो कौन कौन से थे? हमने यूज स्टेट को कवर किया, हमने यूज इफेक्ट को कवर किया, और हमने यूज कॉन्टेक्स्ट को कवर किया। आज हम इस लेक्चर के अंदर अपना चौथा हुक फंक्शन कवर करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है? यूज रेफ। तो भाई देखो, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ इसका। आपको याद होगा हमने रेफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिएक्ट के अंदर, और वो जो रेफ का कॉन्सेप्ट हमने इम्प्लीमेंट किया था वो हमने क्लास कंपोनेंट के अंदर किया था। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको तब बताया था कि अगर हमने वही रेफ वाला कॉन्सेप्ट अगर हमें फंक्शन कंपोनेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज रेफ का एक हुक फंक्शन। इसका मतलब वो जो रेफ वाला कॉन्सेप्ट था ना, रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट था जो हमने क्लास कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट किया था, तो अगर वही सेम कॉन्सेप्ट मुझे अपने फंक्शन कंपोनेंट में चाहिए तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? यूज़ रेफ हुक। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि भाई जब भी हम रेफ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो क्लास कंपोनेंट में हो या फंक्शन कंपोनेंट में हो, तो उसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। मैंने आपको बताया था जब हम रिएक्ट फॉर्म्स पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट फॉर्म्स के अंदर दो तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। एक तो होता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट और दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो जब हमने अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कवर किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैंने आपको बताया था कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के अंदर हम रेफ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और तब मैंने आपको अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करके दिखाया था क्लास कंपोनेंट के अंदर। लेकिन आज मैं आपको अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। तो जब मैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को अपने फंक्शन कंपोनेंट में यूज़ करूंगा, तो वहां पे रेफ के कॉन्सेप्ट के लिए मैं कौन सा हुक फंक्शन यूज करूंगा? यूज रेफ। ठीक है, तो भाई देखो, अगर अभी तक किसी ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। क्योंकि अगर आप मेरी प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो करते हुए आ रहे हो तब आपको ये वाला लेक्चर समझने में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं यहाँ पे कि जो यूज रेफ हुक है ना, इसके दो मेन पॉइंट्स हैं। मतलब यूज रेफ हुक को हम दो पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, जो पहला मकसद है, वो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। बाकी जो इसका दूसरा मकसद है वो मैं आपको अपने पार्ट नंबर 53 में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मतलब ये जो यूज रेफ हुक है इसको हम दो वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि इसके हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? टोटल दो पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पॉइंट देखो, मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि यूज रेफ हुक को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपना अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फंक्शन कंपोनेंट में। दूसरा तरीका क्या है उसको मैं आगे जाके बताता हूँ, तो आप आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, यूज रेफ हुक के हवाले से वो जो मैंने आपको बताया था ना कि पहला पॉइंट क्या है, मतलब पहला पर्पस क्या है जिसके लिए हम यूज रेफ हुक को यूज करते हैं, तो पहले मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे देखो, इट कैन बी यूज टू एक्सेस अ डॉम एलिमेंट डायरेक्टली। मतलब यूज रेफ हुक को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी डॉम एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और डॉम के अंदर डायरेक्ट उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। डॉम एलिमेंट मतलब यहाँ पे देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक H1 का एलिमेंट है, मैंने उसको एक्सेस किया डायरेक्ट अपने डॉम में से, और डायरेक्ट अपने डॉम के अंदर ही मैंने उसके अंदर चेंजेस अप्लाई कर दी। किसके अंदर? अपने एलिमेंट के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं यूज रेफ हुक। क्योंकि भाई देखो, मैंने क्या बताया था, ये जो यूज रेफ हुक है ना, ये कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? ये रेफ वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख कर आए हैं। मतलब यूज रेफ हुक फंक्शन को यूज करके आप अपने एलिमेंट्स को डायरेक्टली डॉम से एक्सेस करके और डायरेक्टली डॉम के अंदर ही, मतलब हमारे एक्चुअल डॉम के अंदर ही हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं या मैनिपुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, वी कैन यूज यूज रेफ हुक फंक्शन इन फंक्शन कंपोनेंट फॉर द रेफ पर्पस विच वी डिड इन द क्लास कंपोनेंट। भाई देखो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो यूज रेफ हुक वाला फंक्शन है ना, ये हम कहाँ यूज करते हैं? अपने फंक्शन कंपोनेंट में। क्योंकि भाई आपको पता है जितने भी हुक फंक्शन है वो सारे के सारे फंक्शन कंपोनेंट के लिए बनाए गए हैं, वो क्लास कंपोनेंट के लिए नहीं बनाए गए। तो ये जो यूज रेफ हुक फंक्शन है ये मैं अपने फंक्शन कंपोनेंट में यूज करूंगा। किस लिए यूज करूंगा? रेफ वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए, वही रेफ वाला कॉन्सेप्ट जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास कंपोनेंट के अंदर इंप्लीमेंट करके आए हैं। फिर देखो थर्ड पॉइंट,
In React, we can add a ref attribute to an element to access it directly in the DOM. भाई देखो, useRef hook को use करके हम एक ref create करेंगे और उसको access हम कहाँ पे करवाएंगे, किसी भी element के अंदर ref attribute को use करके. मतलब ये उसी तरह से है जिस तरह से हमने अपने ref को use किया था class component में. तो मतलब वहाँ भी हमने ref का concept use किया था, हम अपने function component के अंदर भी ref attribute का use करेंगे. ठीक है, तो भाई देखो, इस useRef वाला ये जो hook है हमारे पास, इसका practical करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक scenario समझाना चाह रहा हूँ. तो इसका scenario गौर से समझना ताकि जब हम practical करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आए. तो यहाँ पे देखो, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे useRef को use करके एक ref create करूँगा. मतलब useRef को use करके मैं क्या करूँगा, अपना एक ref create करूँगा. उसी तरह से जिस तरह आपको याद होगा क्लास कंपोनेंट में हम क्रिएट रेफ वाले मेथड को यूज करके क्या करते थे, अपना रेफ क्रिएट करते थे, सेम उसी तरह फंक्शन कंपोनेंट में हम यूज रेफ को यूज करके अपना एक रेफ क्रिएट करेंगे. और फिर यहाँ पे मैं एक एलिमेंट बनाऊंगा. अब वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था वो कोई H1 भी हो सकता है, वो कोई इनपुट टाइप का टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, वो या फिर इमेज भी हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो देखो अब क्या करूंगा मैं, ये जो useRef को यूज करके जो मैं अपना ref बनाऊंगा ना, उसको मैं अटैच करूंगा किसके साथ, अपने एलिमेंट के साथ. तो जब मैं अपने ref को अटैच करूंगा अपने एलिमेंट के साथ, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी कहाँ पे आ जाएंगी, useRef के पास आ जाएंगी. और useRef उस एलिमेंट को कहाँ पे स्टोर करवा देगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा. देखो ये सेम उसी तरह है जिस तरह जब हमने क्लास में ref का कॉन्सेप्ट देखा था, तब हम वहाँ पे क्या करते थे, एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी के अंदर अपने ref को स्टोर करवाते थे. लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी मेरा ref है उसको मैं कहाँ स्टोर करवाऊंगा, एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा. भाई देखो, जो भी मैं useRef को यूज़ करके ref बनाऊंगा, उसके अंदर किसी भी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी. और वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे चली जाएंगी, वो एलिमेंट कहाँ पे चला जाएगा, उस वेरिएबल में चला जाएगा. फिर इसी वेरिएबल को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, मैं अपने एलिमेंट के अंदर क्या करूँगा, चेंजेस अप्लाई करूँगा डायरेक्टली. मतलब देखो, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर useRef ने एक एलिमेंट भेजा, और वो एलिमेंट कहाँ से गेट किया, यहाँ से गेट किया. मतलब वो जो एलिमेंट है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, डॉम नोड्स हैं, वो सारी useRef के पास आई. useRef ने उसे कहाँ पे स्टोर कर दिया, हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया. और अब उसी वेरिएबल को यूज करके, क्योंकि इस वेरिएबल के पास हमारे इस एलिमेंट का रेफरेंस है, तो इसी वेरिएबल को यूज करके मैं क्या करूँगा, इसके अंदर चेंजेस करूँगा या मैनिपुलेशन करूँगा डायरेक्ट अपने डॉम के अंदर. कौन सा डॉम, एक्चुअल डॉम. मतलब डायरेक्ट डॉम के साथ अगर आपने काम करना है और डॉम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको डायरेक्टली आपने चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो useRef hook फंक्शन अपने फंक्शन कंपोनेंट में. ठीक हो गया, तो अब इसी डायग्राम को अपने माइंड में रखना. अब इसी को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ. तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारी वही ऐप है, न्यू ऐप. तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ. राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ hook useref.js. ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, hook useref.js. एंटर करते हैं. और देखो, अब मैं यहाँ पे क्लास कंपोनेंट नहीं बनाऊंगा, बल्कि अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, अपना फंक्शन कंपोनेंट. तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, RFCE लिख के यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ. ठीक है, तो ये देखो, ये आपके पास आ गया फंक्शन. तो भाई देखो, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बना लेता हूँ, और वो एलिमेंट कौन सा होगा, H1. और ये H1 के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, लर्निंग नेवर एंड्स. ठीक है, और अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अपने फंक्शन के अंदर useRef को यूज़ करके मैं यहाँ पे एक ref बनाता हूँ. तो देखो, मैं यहाँ पे कहता हूँ useRef. देखो, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट करो और जैसे कीबोर्ड से एंटर करोगे तो ये देखो ऊपर ऑटोमेटिक इसका इंपोर्ट आ गया useRef का. useRef को कहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा है, हमारे रिएक्ट मॉड्यूल में से. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इसको मैं स्टोर करता हूँ, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ, और इसका मैं नाम रखता हूँ newRef. सही है, तो देखो useRef की मदद से मैंने क्या किया, एक एम्प्टी ref बना लिया, एक एम्प्टी रेफरेंस बना लिया. एम्प्टी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी newRef के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है. मतलब किसी भी एलिमेंट का रेफरेंस अभी हमने इस वेरिएबल के अंदर पास नहीं किया. ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं ये वाला जो मेरा newRef है इसको मैं अटैच करता हूँ किसके साथ, हमारे इस H1 एलिमेंट के साथ. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ref एट्रीब्यूट यूज करूँगा, और ये जो मैंने वेरिएबल बनाया जिसका क्या नाम है newRef, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दूंगा. तो भाई देखो, जैसे ही मैंने अपने newRef को ref की मदद से अपने H1 के अंदर अटैच किया, तो इससे क्या होगा कि जो H1 है इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, डॉम नोड्स हैं,
वो सारी हमारी इस न्यू रेफ के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो भाई देखो, अब मैं आपको बताऊं कि इस न्यू रेफ के अंदर स्टोर क्या हुआ है। इस न्यू रेफ के अंदर ये H1 का एलिमेंट स्टोर हुआ है। तो अगर मैं उसको आपको कंसोल करके दिखाऊं, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। आपको याद होगा हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिसका नाम था यूज़ इफेक्ट, ठीक है, एक हुक फंक्शन हमने पढ़ा था यूज़ इफेक्ट। तो अब मैं ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ये फंक्शन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं कह रहा हूँ कि जब भी मेरा कंपोनेंट माउंट हो जाएगा, तो क्लास कंपोनेंट के अंदर हम कंपोनेंट डिड माउंट यूज़ करते थे, लेकिन अगर वही काम मुझे फंक्शन कंपोनेंट में करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यूज़ इफेक्ट। मतलब मैंने आपको बताया था यूज़ इफेक्ट तीन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, कंपोनेंट डिड माउंट के लिए, कंपोनेंट डिड अपडेट के लिए और कंपोनेंट विल अनमाउंट के लिए। इन तीनों के लिए आप यही सिंगल यूज़ इफेक्ट का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो भाई देखो, अब ये जो यूज़ इफेक्ट है ना, ये हमारे पास एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है एज अ आर्ग्यूमेंट। तो मैं इसके अंदर एक एरो फंक्शन पास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आ गया मेरे पास एरो फंक्शन और ये आ गई इसकी बॉडी। तो देखो इसके अंदर अब मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, CLG लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं, और इसके अंदर मैं ये वाला वेरिएबल पास कर देता हूँ न्यू रेफ। और इस वेरिएबल के अंदर किसका रेफरेंस है, इस H1 का रेफरेंस है, ठीक है। और देखो यूज इफेक्ट कब चलेगा, जैसे ही मेरा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट माउंट होगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट डॉम के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, रेंडर किया जाएगा, तो ये वाला फंक्शन मेरे पास एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर मुझे कंसोल डॉट लॉग में क्या नजर आएगा, न्यू रेफ। तो भाई देखो, अब ये वाला जो मेरे पास फंक्शन है हुक यूज रेफ, इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ अपने app.js में। तो देखो यहाँ आ जाओ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ हुक यूज रेफ, ठीक है। देखो ये आ गया, यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। जैसे आप देखो एंटर करोगे तो क्या होगा, देखो इसका इम्पोर्ट टॉप पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिक ऐड ना हो तो आपको खुद से ये लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इसको सेव करते हैं। अब इसका रिजल्ट मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी आपको क्या नज़र आ रहा है ब्राउजर पे, लर्निंग नेवर एंड्स। तो अगर मैं अपना कंसोल ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, फिर मैं यहाँ से कंसोल पे जाता हूँ, तो ये देखो इसने क्या किया, मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया। मतलब यहाँ पे देखो मैंने अपना न्यू रेफ पास किया ना, तो इसने मुझे क्या करके दिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करके दिया। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर एक करंट प्रॉपर्टी है, और करंट प्रॉपर्टी किसको पॉइंट कर रही है, H1 को। तो अगर यहाँ पे मैं करंट प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करता हूँ, तो ये देखो करंट प्रॉपर्टी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे आ रही है। मतलब H1 के ऊपर जो जो चीज़ें थी, H1 के पास जो जो चीज़ें थी, ठीक है, मेथड्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, XYZ, बहुत सारी चीज़ें, देखो नज़र आ रहा है आपको, देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हैं, सही है। तो अगर इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँ, जिस तरह यहाँ देखो आपको ये नज़र आ रहा है इनर HTML, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लर्निंग नेवर एंड्स। मतलब जो भी आप लिखोगे H1 में वो इनर HTML में स्टोर होगा। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए याद रखना, पहले आपको करंट की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी पड़ेगी, किसके साथ, हमारे उस ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब यहाँ पे देखो ये न्यू रेफ, ये जो न्यू रेफ है ये बेसिकली अब क्या बन चुका है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं CLG लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू रेफ डॉट करंट, और उसके बाद मुझे इसका इनर HTML चाहिए, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इनर HTML। तो इस लाइन पे मुझे क्या नज़र आ जाएगा, लर्निंग नेवर एंड्स, कहाँ पे, हमारे कंसोल में। तो देखो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं एक दफ़ा क्लियर करता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है करंट H1, और ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, लर्निंग नेवर एंड्स। ये कहाँ से आ रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना करंट डॉट इनर HTML, ये यहाँ से आ रहा है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, और मैं कहता हूँ जैसे ही उस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, तब इस H1 के ऊपर मैं कुछ और मैनिपुलेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, और इस बटन को मैं कहता हूँ क्लिक, और इसके ऊपर मैं एक ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर पास करता हूँ, ठीक है। देखो ऑन क्लिक आ गया, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इसको कह देता हूँ हैंडल हेडिंग, क्या पास कर दिया मैंने, हैंडल हेडिंग, लेकिन अभी ये मौजूद नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो रिटर्न से पहले और यूज़ इफेक्ट के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, और फिर इसका नाम हैंडल हेडिंग, और फिर ये इसका एक पैरामीटर आ गया जो कि एम्प्टी है, और यहाँ पे एरो, और ये आ गई इसकी बॉडी, ठीक है। और अब देखो अब मैं कहता हूँ ये जो न्यू रेफ है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, H1 स्टोर्ड है, तो मैं इसकी करंट प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। और भाई देखो अब करंट प्रॉपर्टी के अंदर ना यहाँ पे एक स्टाइल की प्रॉपर्टी भी मौजूद है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये आपको करंट नज़र आ रहा है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, करंट के अंदर एक्सपेंड करते हैं, और नीचे आ जाओ, ठीक है, स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आ जाओ एंड पे, देखो यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इसके ऊपर क्लिक करो, क्योंकि और भी प्रॉपर्टीज़ हैं नीचे, देखो नीचे आ जाओ, और यहाँ देखो करंट के अंदर आपको एक स्टाइल की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। और देखो स्टाइल के अंदर
जितनी भी सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ है वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। देख रहे हो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं कहता हूँ स्टाइल डॉट कलर, मतलब मैं कह रहा हूँ इस हेडिंग का कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ और मैं इसका कलर कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेड। क्या कर दिया मैंने, रेड। तो अब देखो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा हमारी इस हेडिंग का कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो नीचे बटन नज़र आ रहा है आपको क्लिक, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसका कलर क्या हो गया आपके पास, रेड हो गया। ठीक है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह अगर मैं एक और प्रॉपर्टी आपको यूज़ करके दिखाऊँ, ठीक है देखो यहाँ पे आते हैं। देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फॉन्ट फैमिली, जो कि राइटिंग चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉन्ट फैमिली। और इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करता हूँ कूपर, ठीक है एक राइटिंग स्टाइल है। इसको सेव करते हैं, ठीक है ब्राउज़र पे आते हैं, इसको मैं एक दफ़ा यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है तो आप देखो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो दो काम होंगे, एक तो इसका कलर चेंज होगा टेक्स्ट कलर और इसका फॉन्ट फैमिली चेंज होगी। देखो क्लिक करता हूँ, ये देखो ये आपको नज़र आया, ये इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया है, कूपर हो गया, ठीक हो गया। तो मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सी एस एस की मैनिपुलेशन भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं एक और काम आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ न्यू रेफ, न्यू रेफ और इसकी करंट प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हिडन, ठीक है हिडन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है इसलिए हमारा एलिमेंट हमें नज़र आता है ब्राउज़र में। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ, हिडन ट्रू, हिडन ट्रू का मतलब कि भाई जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ये वाला इवेंट चलेगा तो हमारा ये जो H1 है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो देखो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ब्राउज़र को अपना रिफ्रेश करते हैं। ठीक है तो ये देखो अभी आपको एलिमेंट नज़र आ रहा है ना, लेकिन जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये देखो ये हाइड हो गया। तो इस तरह से मतलब आप डायरेक्ट अगर अपने डॉम में मैनिपुलेशन करवाना चाह रहे हो किसी भी एलिमेंट को, तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। और भाई यहाँ पे देखो ये तो अभी मैंने H1 के साथ काम किया है ना, आप इसके थ्रू फॉर्म हैंडलिंग भी कर सकते हो। फॉर्म हैंडलिंग किस तरह से, ये देखो मैं ये दोनों लाइन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और ये वाला जो फंक्शन है इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है ये सारा कोड आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जाके जितने भी रिएक्ट के नोट्स हैं, सोर्स कोड हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है तो यहाँ पे देखो मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ और यहाँ पे देखो मैं ये एक्शन हटा देता हूँ इसके अंदर, और देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे दो इनपुट फील्ड्स बनाता हूँ। ठीक है सबसे पहले एक लेबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कहता हूँ एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है देखो क्या कह दिया, एंटर फर्स्ट नेम। इसके बाद इसका इनपुट टाइप यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है इनपुट टाइप आ गया और इसका प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक हो गया, अब इन्हीं दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आके मैं पहले दो BR के टैग्स लगा लेता हूँ और फिर इनको नीचे पेस्ट करता हूँ। और अब दूसरे के अंदर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम एंटर करना है, ठीक है और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में कह देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है और फिर दोबारा यहाँ पे मैं BR बनाता हूँ, ठीक है और यहाँ पे अब मैं बनाता हूँ एक सबमिट बटन। ठीक है तो इनपुट कॉलन सबमिट लिख के एंटर करूँगा तो देखो सबमिट बटन आ गया और यहाँ पे मैं सबमिट दे देता हूँ और शिफ्ट अल्ट एफ करके मैं इसको ब्यूटीफाई कर देता हूँ, मतलब अलाइंड कर देता हूँ। ठीक है तो अब देखो अब मैं आपको अपना ही फॉर्म दिखाता हूँ, सबसे पहले सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है एरर क्या आ रहा है, इनर HTML की प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ देखो मैंने वो H1 तो हटा दिया ना इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है इसको कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, ठीक है इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये हमारे पास आ गया, ये आपको फॉर्म नज़र आ रहा है। अभी देखो करंट के अंदर अनडिफाइंड है क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे देखो ये जो मैंने ये जो न्यू रेफ बनाया था इसको मैंने किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं किया। ठीक है तो ये देखो फॉर्म हमारे पास बिल्कुल सही तरह आ रहा है। तो देखो भाई अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस लाइन को कॉपी करता हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, इसको नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि भाई ये है फर्स्ट रेफ, ठीक है मतलब फर्स्ट नेम के लिए, और इसी को मैं यहाँ से नीचे पेस्ट करता हूँ और अब मैं कहता हूँ लास्ट रेफ, लास्ट रेफ मतलब लास्ट नेम के लिए। तो ये मैंने दो हमारे पास वेरिएबल बना लिए यूज़ रेफ को यूज़ करके। और आप देखो ये जो फर्स्ट रेफ है और लास्ट रेफ है इसको मैं यहाँ पे पहले कंसोल करवा लेता हूँ अपने यूज़ इफेक्ट के अंदर। ठीक है देखो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रेफ, ठीक है और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। यूज़ इफेक्ट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊँगा। ठीक है लास्ट रेफ, और अब नीचे आ जाओ। अब इन दोनों रेफ्स को मुझे अटैच करना है अपने इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर। तो देखो यहाँ पे मैं ref एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं सबसे पहले पास कर देता हूँ फर्स्ट ref, ठीक है और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ
और फिर अपने दूसरे इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स में ले आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ लास्ट रेफ। ठीक है, सही है। तो मतलब देखो, ये जो दोनों रेफ मैंने यहाँ पे बनाए हैं, एक को मैंने अपने पहले टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच कर दिया और दूसरे को मैंने अपने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच कर दिया। तो मतलब फर्स्ट रेफ के अंदर अब ये वाला टेक्स्ट बॉक्स स्टोर हो जाएगा और लास्ट रेफ के अंदर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। और इन दोनों का रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर कंसोल डॉट लॉग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, इसको मैं एक दफ़ा यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, देखो रिफ्रेश हो गया। और अब देखो दोनों करंट में यहाँ पे देखो आपको इनपुट दिखा रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, टेक्स्ट बॉक्सेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। सही है, तो यहाँ पे देखो अभी ये तो मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाया है ना। देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर सीएलजी बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ एक स्ट्रिंग पास करता हूँ और इसके अंदर मैं कह देता हूँ फुल नेम इज इक्वल टू। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट रेफ और यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब एक्सेस कैसे करूँगा, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे एक्सेस करूँगा देखना। यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट रेफ डॉट करंट और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसको कहता हूँ वैल्यू। सही है, और देखो इसी पूरी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और फिर बीच में यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो फर्स्ट रेफ है ना, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ लास्ट रेफ। ठीक है, तो देखो ये मैसेज मुझे शो होगा, मतलब फर्स्ट रेफ की करंट वैल्यू और लास्ट रेफ की करंट वैल्यू, और उससे पहले मुझे यहाँ पे फुल नेम भी नजर आएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो ये जो अभी मैंने लाइन लिखी है, ये मैंने अभी कहाँ पे लिखी है, ये लाइन मैंने लिखी है अपने यूज इफेक्ट हुक के अंदर। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, ये यूज इफेक्ट वाला हुक तो तब चलेगा जब मेरा कंपोनेंट माउंट हो जाएगा, मतलब जैसे ही मैं अपना पेज लोड करूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन ये वाली लाइन मुझे अपने फॉर्म की सबमिशन के ऊपर प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो मैं अपने फॉर्म में आता हूँ, यहाँ पे मैं ऑन सबमिट का इवेंट यूज़ करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं इवेंट बनाता हूँ और उसका नाम क्या देता हूँ, हैंडल सबमिट। ठीक है, तो ये वाला मैं इवेंट बना लेता हूँ यहाँ पे अपने रिटर्न के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के बाद इसका नाम क्या, हैंडल सबमिट। यहाँ पे पैरामीटर आएगा, ठीक है, ई जो कि हमारे सबमिट इवेंट का ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद ये एरो आ गया और यहाँ पे आ गई इसकी बॉडी। तो भाई देखो जब भी हम अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारा पेज रीलोड होता है, रिफ्रेश होता है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दिए। इससे क्या होगा, वो जो फॉर्म सबमिशन का नेचुरल बिहेवियर होता है वो प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। और ये वाली लाइन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है, ये वाली, इस पूरी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मतलब कट करता हूँ, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे e.preventDefault के बाद। सही है, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं अपने फॉर्म को फिलअप करूंगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूंगा, और जब मैं सबमिट करूंगा तो ये ऑन सबमिट के ऊपर ये वाला इवेंट चलेगा, ये वाला, और ये वाली लाइन हमें क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आया ब्राउजर पे, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। और अब देखो, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद, अपना नाम डालता हूँ मोहम्मद आदिल, और अब देखो जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, फुल नेम इज इक्वल टू मोहम्मद आदिल। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, देखो स्पेसेस एक्स्ट्रा पता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये कॉमा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कॉमा में आपको पता है कि खुद ही एक स्पेस मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लस को यूज़ करके कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहा ना, कॉमा लगाया हुआ है मैंने। तो देखो उसको सेव करते हैं और यहाँ पे आ जाओ, ब्राउज़र पे आ जाओ, इसको एक दफ़ा मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अब कहता हूँ अली खान। ठीक है, अली खान लिख के यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो ये देखो क्या प्रिंट हो रहा है, फुल नेम इज इक्वल टू अली खान। तो मतलब देखो, आप यूज रेफ को यूज करके अपने डॉम के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। देखो मैंने अभी एच वन को एक्सेस करके दिखाया था, मैंने आपको फॉर्म के एलिमेंट्स को, मतलब इनपुट टाइप को एक्सेस करके दिखाया, तो ये सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो जैसे ही मैंने अपना फॉर्म रिफ्रेश किया तो कर्सर मेरे पास किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं है, मतलब मेरा कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इस वक्त फोकस नहीं है। तो फोकस करवाने के लिए भी वही काम, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने यूज इफेक्ट में और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जो मेरा पहला टेक्स्ट बॉक्स है फर्स्ट रेफ, इसके अंदर करंट प्रॉपर्टी और इसके अंदर मैं यहाँ पे फोकस मेथड का यूज करता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर फोकस आ जाएगा जैसे ही मेरा पेज लोड होगा। तो देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर्सर कहाँ पे आ रहा है, मतलब कौन सा टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव है, ये पहला वाला। तो ये काम मैंने कैसे किया, इस लाइन के थ्रू, फर्स्ट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस। और भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो, मैंने आपको रेफ में भी बताया था कि यहाँ पे भी आप वो
जो स्टाइल जो हम CSS अप्लाई कर रहे थे ना, वो काम आप यहाँ भी कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ स्टाइल डॉट कलर, ठीक है। कलर मैं उसी तरह से क्या कर देता हूँ, इसका रेड, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं। तो देखो, इसको नीचे मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पे कैमल केसिंग में लिखना है बैकग्राउंड कलर, और इसका मैं कलर पास कर देता हूँ येलो। तो इसको सेव करता हूँ, तो देखना यूज़ इफेक्ट तो हमारा कंपोनेंट माउंट होते ही नज़र आ जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ें हमें पेज लोड होते ही नज़र आ जाएंगी। तो देखो, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट रेफ को टारगेट किया था ना, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रेफ का टेक्स्ट कलर क्या है, रेड, और बैकग्राउंड क्या है, येलो, ठीक है। तो मतलब यूज़ रेफ को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने डॉम एलिमेंट्स को, वो कोई भी एलिमेंट्स हो, आप उनको इस तरह से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा यूज़ रेफ हुक का पहला पार्ट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, यूज़ रेफ के हवाले से दो पॉइंट्स हैं। अभी मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया, जिसके अंदर अपने एलिमेंट्स को डॉम में डायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, ये मैंने बताया। इसका एक दूसरा पॉइंट भी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए यूज़ रेफ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो मैं आपको बताऊँगा अपने पार्ट नंबर 53 में। और एक बात याद रखना, ये जो मैंने काम किया है ना, ये हमारी रिएक्ट फॉर्म के अंदर वो जो सेकंड टाइप है ना, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, ये वो वाला काम किया हमने। मतलब हमने अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को अपने फंक्शन कंपोनेंट में इंप्लीमेंट किया है यूज़ रेफ हुक को यूज़ करके, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।